तो यहाँ पे भैया हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, एक कैमरा हम यहाँ लगवा रहे हैं, एक कैमरा वहाँ सामने लगवा रहे हैं, क्योंकि इधर जीने से जो आएगा साफ साफ दिख जाएगा इस कैमरे में। फिर उसके बाद जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो उस कैमरे से दिख जाएगा कौन आया कौन गया, सारा रिकॉर्डिंग होगा और ऐसा सिस्टम रहेगा कि हम मोबाइल में भी देख सकते हैं। जब काम करवा रहे हैं फुली इन फाइनली काम करवा रहे हैं। इधर हमारा जियो का वाईफाई भी लगा हुआ है, ये भी अपना काम करता है जहाँ तक हो सकता है। भैया अच्छा कैमरा लगवा दिया हमने, ये सी पी प्लस का कैमरा, इस टाइम यही कैमरा चल रहा है ज़्यादातर, अच्छी क्वालिटी होती है इसकी सी पी प्लस का। ये डी वी आर भी है, बाकी हमारा स्मार्ट टीवी तो है ये, उसमें फिट हो जाएगा ये। बच्चों चलो टाइम हो गया, अकेली जाएंगे आज। दो बोतल लेके जा रहे हो तुम लोग पानी का, है तो एक बोतल लेके जाओ। नहीं, तुम्हारी मैम क्या तो मिल जाएगा पानी। ऋषभ तो आओ, ऋषभ गंदा बच्चा है। ऋषभ काफी परेशान था ट्यूशन जाने के लिए, अब खुश है ऋषभ, ये मुस्कुरा रहा है। जाओ अच्छे से पढ़ के आना, मन लगा के छोड़ दोगे। ऋषभ बाय, शाम को मिलोगे। अच्छा तो हमारा डीवीआर जिस पे रखा जाएगा इसको लेके आते हैं, ये यहाँ पे फिट है, एक वहाँ पे लगवा देते हैं डीवीआर रखने के लिए। सुबह से उठा हूँ, बस भागा दौड़ी कर रहा हूँ, ये देखिए सामान लेके आ रहा हूँ अभी। बन्ना जी करें ब्लॉग डाल लो, ब्लॉग व्लॉग सब रेडी है, बस एडिट करके सब कुछ डालना ही है। कह रहे आपको ब्लॉग बन जाता लेकिन आप डालते नहीं हो, लेट कर देते हैं, क्या करें। देखिए ये सब सामान लाना है, भागा दौड़ी का काम है तो कहाँ से कर पाए। इधर भैया अपना लगे हुए हैं, थक गए, बाइक से गए तो फिर भी थक गए, थक क्यों गए, नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है इसलिए थक गए। ये सब सामान लेके आया हूँ मैं, और ये बल्ब लेके आऊँ, रील्स वगैरह बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये काफ़ी हाई पावर का है, रोशनी अच्छा करेगा, तो लगाते हैं इसको। A few moments later. क्या सुनाची क्या बना रही हो? भेलपूड़ी। भेलपूड़ी, ये भेलपूड़ी है? हाँ। झालमुड़ी? भेलपूड़ी। ये भेलपूड़ी नहीं, इसको झालमुड़ी बोलते हैं, भेलपूड़ी अलग होता है। नमक ज्यादा मत डाल देना। अरे मिक्स ही करें हम करते हैं। आप सुनाची हाथ से खाने, बहुत ज्यादा नमक हो गया, मिक्स तो कर ले दो। क्या अच्छा है इसमें, बस क्या करना है, प्याज कट करना है, नमकीन लेना है और लाई और नमक और नींबू, जब मेरे घर पे तो नींबू है ही नहीं अभी। हाँ नींबू बहुत अच्छा लगता है, चलो ले जाओ फटाफट खाते हैं। ठीक है जाओ। तो यहाँ सोनाची बना के लाई है, काफी अच्छा बनाई है, और इसके साथ चाय होता तो अच्छा लगता ना। बना दो चाय सोनाची। सोनाची और काय सब काम कर रही है, मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि छुट्टी नहीं। तेल ज्यादा डाल रही हूँ, पता है मिक्स नहीं की अच्छे से। ओह माय गॉड, ऋषभ का दांत टूट गया, ऋषभ सिस्टम देख के रो रहा है, मेरा भी टूटा है, ऋषभ रो रहा है, दांत टूटता है बेटा, वो दूध का दांत है तो टूटता है, फिर आ जाएगा नया। मत छुओ मत छुओ मत छुओ, जा थूको जा थूको जा बेसे में थूक। आज हमने अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लिए, एक तो सीसीटीवी कैमरा मेरा इधर लग गया है, और मेरे घर में जब से दिल्ली रह रहा हूँ पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में छाता खरीदा है, क्योंकि ऋषभ स्कूल जाता है तो उस टाइम बारिश वरिश होने लगता है तो हम गए खरीद देते हैं, इनकी मम्मी जाती है तो दिक्कत होता है। ये कैसे छाता? तो सोनाची को ये कलर पसंद है इसलिए मैंने इस कलर का लिया। ऊपर खींचो, ऐसे नीचे से खींचा जाता है, और खींचो तो वन्ना जी यहाँ लगी हुई है। सब्जी खाना बना रहे हैं, बना रहे तब हटाते हैं। क्या लाए हैं? गोलगप्पे लाए हैं, गोलगप्पे भले खा लेंगे कि और चीज नहीं खाएंगे, तो चलिए हिसाब लाई है। तो वन्ना जी कैसा लगा आज मैंने अपनी जिंदगी के दो बड़े बड़े फैसले लिए, एक कैमरा और एक छाता। हाँ जिंदगी में पहली बार पति देव ने खरीदा छाता, हमारे घर में सब सुविधा था लेकिन छाता नहीं था, अभी किट्टो के घर में भी छाता नहीं है, छाता है चाचा खरीद, किसी दिन आएगा अपना घर भी ऐसे ही हो जाएगा। अरे घर के लिए बात मत किया करो, पता है कि तुम लोग क्या घर घर का करते हो।
तो ऐसे ही फैसले होते हैं ना, बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। लटकता जिंदगी, मोमोज खा ले यहाँ पे पापा, गोलगप्पा लाए तो गोलगप्पा खाएंगे। अब यहाँ पे पापा अपना क्रिकेट देख रहे हैं, गोलगप्पा कैसा है? और पापा अभी खा रहे, ये मुझे दिए हैं, अभी मैं खाऊंगी। पापा खा लिए हम गोलगप्पे और मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई है गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही खराब हो गई। और इधर मम्मी खाना बना रही है, कितने मजे से बात करते हुए हम। बज गए हैं 11:15 और मैच देख रहा हूँ इधर। और वंदना जी कब से किचन में गई हैं तो पता नहीं क्या कर रही हैं। सोनाक्षी अपना बैठी है इधर, ऋषभ भी अपना पढ़ाई लिखाई खेल कूद कर रहा है अपना। पढ़ रहे हो? पढ़ो क्या जी? आज तो आज बहुत खुश होंगी। खुश है भाई, खुश के नहीं जाएंगे। आज काफी मतलब देर हो गया है, रात हो गया है। कोई बात नहीं यार, घर में हो ना, घर में रात। आप मेरे वाले ब्लॉग में देखे, मार्केट गए, सब्जी लेकर आए, फिर उसको कटे कुटे अकेले भाई करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद जो सब्जी छौक कर बनाकर, फिर उधर साफ सफाई, सब्जी सब अच्छे से फ्रिज में करके रख दिया है। और सब्जी देख सकते हैं कलर लच्छेदार, तो इसको यहाँ यार सब लोग को भी खिलाएंगे। और रोटियां आप जब बस गरम गरम सेकने जा रहे हैं, और रोटियां हम तो गरम ही, पता है गाइस पहले मैंने तो इधर दूध उबल रहा है, तो हम लोग गांव में इसको मुनगा बोलते थे, और यहां पे सहजन बोलना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, मुनगा बोलते हैं तो समझ ही नहीं पाते यहां, जो उधर यूपी का है गाँव का, तो उधर का समझ जाता है। चलिए रोटी गरम गरम सेकते हैं, और एकदम खर खर रोटी। खर खर क्या होता है? होता है खर खर, सब्जी उधर मत रखो गिर जाएगा। किचन का जगह कम है ना, इसकी वजह से थोड़ा हमको प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाता है सब, किसी का तो इससे भी छोटा रहता है। हाँ। आपका इतना बड़ा है, ठीक है। नहीं जी, हमारा सबसे छोटा है, इससे छोटा किसी का नहीं रहता है। रहता है जी, हम तो नहीं, हमारी फैमिली कमेंट करके बोल देगी भैया गांव में तो नहीं रहता, लेकिन जो आप लोगों को वीडियो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन गाइस बताइए, एक इंसान ही खड़ा करके खड़ा होकर खाना बना, नहीं दो इंसान खड़ा हो, एक बढ़ा ही गया। अगर आपको इधर आना होगा फिर मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, ये चीज तो है ना, शहर में लोग ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। सवेरे पराठा सेके थे ना, थोड़ा सा चलो गरम, हम तो हाथ धोने के कब से तैयार है, मेरे हम बनाए हैं ना, हमारे मुंह में कब से पानी आ रहा है कि मैं खा लूं, जल्दी से खा लूं। अब बना लेंगे, आप लोग खिला लो। चलिए रोटी बना रही है तो फिर मिलेंगे। सब्जी रोटी सलाद तो मिलते हैं सुबह खाने के बाद। The next morning. तो सुबह हो गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्य, हर हर महादेव। और सोनाक्षी ऋषभ स्कूल जा चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, बस थोड़ी देर में ड्यूटी निकलने वाला हूँ। वंदना जी अपना चाय नाश्ता लेके आ गई हैं। किससे बातें कर रही हो जी? पिंसू के बुलावा थी फोन के। तो मैं तैयार हो गया हूँ, और वन्ना जी रोटी बना रही थी, अरे आ भी गई, तो इधर आ गई मेरे लिए खाना ना लेके। थैंक यू वन्ना जी, पानी भर लीजिए, मेरा थोड़ा मैं पैर दुख रहा है बहुत तेजी से। चलो तो मैं चलता हूँ, मेरा खाना वाना के इंतजार करना था, लग गया है, निकलते हैं हम ड्यूटी के लिए। बंद कर दो टीवी। बाय वन्ना जी, बाय बाय। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।